गॉड विलिंग एवरीबॉडी बहुत दिनों नहीं बहुत मिनटों से इंतजार कर रहे थे 34,560 मिनट्स इतने दिन से मेरे बच्चे अंदर है आर्यन में मेरे बच्चे जैसा है दिस चिल्ड्रन हैव बीन ट्रॉमेटाइज्ड जेल में जाना ट्रॉमेटिज्म है सारे आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट होने के बाद में ऑर्डर आता है प्रोसीजर यही है पूरा काउंटर आर्गुमेंट हुआ एक घंटा उनका आर्गुमेंट हुआ एक घंटा हमारा हुआ फिर ही ऑर्डर मिला सर अभी भी सबमिशन कर ही रहे थे कि अचानक अदालत ने आदेश दिया क्या हुआ था सारे सबमिशन बराबर हो गए हैं पूरा प्रोसीजर के अनुसार ही पूरा ऑर्डर हो गया सबकी सुनवाई बराबर से होगी एंड ऑल हैव बीन गिवन प्रॉपर से प्रॉपर आर्गुमेंट हैज बीन टेकन केयर एंड एवरीथिंग हैज बीन ओके बड़ा दिन है सर आपके लिए आज बड़ा दिन है सर बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे आप बहुत दिनों नहीं बहुत मिनटों से इंतजार कर रहे थे 34,560 मिनट्स इतने दिन से मेरे बच्चे अंदर है मेरा बच्चा अंदर है आर्यन में मेरे बच्चे जैसा है तो 34,560 माय मिसेस वाज काउंटिंग द मिनट्स नॉट डेज सो यू शुड रिमेंबर द एगनी ऑफ दिस पीपल दिस चिल्ड्रन हैव बीन ट्रॉमेटाइज्ड जेल में जाना ट्रॉमेटिज्म है जस्ट इमेजिन द प्लाइट ऑफ सो मेनी अदर्स हु हैव बीन ट्रॉमेटाइज्ड इनसाइड द जेल आज बच्चा दीवार के उस साइड पर तो पता चलता है एगनी क्या होती है So in the system has to be improvised to a greater extent for the social need. That's about it. देखिए मुनमुन को आर्यन को और अरबाज को तीनों को अभी जो बेल मिली है सबसे पहले तो हम खुशी यही है कि तीनों की बेल ग्रांट हो चुकी है इतनी हमने जो मेहनत और मुशक्कत जो की थी आज फाइनली एक ऑपरेटिव पार्ट आ चुका है इसके बेसिस पे अभी ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर क्या आती है क्या नहीं आती है वो इंपॉर्टेंट है हमें देखना क्योंकि मैंने खुदने के लिए रिक्वेस्ट किया था कि सेक्शन 29 का बहुत गलत तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा है NDPS एक्ट के अंदर और इसके हिसाब से सेक्शन 29 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन आनी बहुत जरूरी है तो हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम इस सेक्शन के ऊपर तो एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन आएगी और दूसरी चीज हम उम्मीद कर रहे हैं कि लॉर्डर की कॉपी मिल जाएगी एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट एक रोजनामा जो है वो अपलोड हो जाए किस ग्राउंड्स पे आज जो है हाईकोर्ट ने देखिए ग्राउंड्स अभी मेंशन हुआ नहीं है क्योंकि ऑपरेटिव पार्ट पे ही सिर्फ वर्बली ऑर्डर पास हुआ है कल जब पूरा ऑपरेटिव ऑर्डर आ जाएगा तब हमें पता चलेगा कि ऑर्डर्स क्या है और किस बेसिस पर ये अलाउ हुआ NCP ने डॉक्यूमेंट्स में मेजरली जजमेंट्स के ऊपर रिलाई किए हैं जो नीचे की कोर्ट में उन्होंने सेम सबमिशन दिया हुआ था उसके अलावा NCP ने कुछ जहाँ तक आर्यन की बात है वही बात की हुई है कि इन्फ्लुएंशियल है विटनेस टैम्परिंग की हो सकती है पॉसिबिलिटी आप लोग के फेवर में क्या रहा कोई नई बात NCP की तरफ से नहीं आई है जहाँ तक मुनमुन का सवाल है CMM कोर्ट में और सेशंस कोर्ट में कोई भी चीज़ को ज़्यादा पुटअप नहीं किया हुआ गया था हाईकोर्ट में एक NCP नया ग्राउंड लेके आई थी मुनमुन के खिलाफ वो ग्राउंड में उन्होंने ये रखा कि जहाँ तक हमारा बोलना ये था कि वो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है तो आज NCP ये बोल रही है कि वो कनेक्टेड थी और वो अक्यूज नंबर सोवैन को जो इश्मित है इश्मित से कनेक्टेड थी और उसके खिलाफ CDR रिकॉर्ड भी उनको मिला था उनका ये सबमिशन था बट उसके काउंटर में हम ऑलरेडी हमारे पास कुछ काउंटर सबमिशन थे जजमेंट भी था हाईकोर्ट का जो उसके अगेंस्ट था लेकिन उससे पहले ही वो सबमिशन थे हमारा एप्लीकेशन अलाउ हो गया निकलेंगे देखिए अभी जैसे ऑपरेटिव पार्ट अभी तो अभी ऑर्डर पास हुआ है कल हम उम्मीद करते हैं अगर कल पूरा ऑब्जर्वेशन ऑर्डर पास हो जाएगा एटलीस्ट अगर रोजनामा आ जाए तो उम्मीद करते बिल्कुल उम्मीद करते हैं कल सेकंड हाफ तक पॉसिबल सर मराठी मराठी सर विदेश